जी, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट से अपनी रकम को अपने कैश माल के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ट्रस्ट वैलेट को ओपन कर लेना है। इस तरह जब ट्रस्ट वैलेट ओपन हो जाए, उसके बाद आपने देख लेना है कि आपके पास कौन सा कॉइन मौजूद है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास लाइट कॉइन की स्टोशी पड़ी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का, तो मैं यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद इस तरह मेरे पास ऑप्शन आएगा पेस्ट एड्रेस का, तो यहाँ पर मैंने वो एड्रेस लिखना जिस एड्रेस के ऊपर मैं अपना ये कॉइन ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखनी है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो अब हम वापस चले जाते हैं अपने कैश माल के अकाउंट के अंदर। यहाँ पर मैंने कैश माल का अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ से मैं लाइट कॉइन का एड्रेस निकालूँगा, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करना है 3 लाइन के ऊपर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मैनेज फंड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लाइट कॉइन, क्योंकि मेरे पास ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट के अंदर भी लाइट कॉइन थी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें एक बात कि ये वाला एड्रेस है, ये वाला आपने कॉपी करना है, और उससे पहले आपने यहाँ पर इसकी मिनिमम अमाउंट चेक कर लेनी है कि मिनिमम कितनी आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक USD के इक्वल, यानी कि $1 के इक्वल अगर आपके पास लाइट कॉइन है या इसके ऊपर है, तब आप डिपॉजिट करेंगे, अदरवाइज़ आपका फ़ंड जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अब आपने वापस चले जाना है ये एड्रेस कॉपी करके, और उसके बाद आपने इधर इस एड्रेस को पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा डॉलर का साइन है और साथ 0.26, यानी कि ये $1 से कम है, हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर $1 शो हो रहा हो या 1 से ऊपर, तो फिर आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा कि आप जो है वो अपना एड्रेस जो है वो कन्फर्म कर लें, और उसके बाद टोटल अमाउंट आप चेक कर लें, और उसके बाद आप कन्फर्म कर दें, तो आपका ट्रस्ट वैलेट से कैश माल के अकाउंट के अंदर फंड चला जाएगा।